मैं कुतुबुद्दीन, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बसो कल्याण के प्रतापपुर और नारायणपुर में डिसिल्ट्रेशन ऑफ टैंक्स के ओपनिंग ज्ञानेंद्र कुमार गंगावर असिस्टेंट कमिश्नर बसो कल्याण के हाथों हुई। इस मौके पर जगन्नाथ रेड्डी तहसीलदार के अलावा बसो कल्याण तालुके के ऑफिसर्स और प्रतापपुर ग्राम के प्रेसिडेंट मेंबर्स के अलावा कई लोग मौजूद रहे। बसपा कनाडा हमनाबाद बाल्की अभी नहीं आया है और ये सब हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉट ट्रोन जिसे बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट अभी 2-3 महीने बाद पानी की बहुत ही समस्या अभी आ सकती है। और पानी की समस्या को काउंटर करने के लिए क्या होता है, जो हमारे पास अवेलेबल टैंक्स हैं, MI टैंक हैं, ZP टैंक हैं, लोकल टैंक्स हैं, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। पहले कैपेसिटी कैसे सोर्स जहाँ है उनको क्लियर करना है, जो सिल्ट डिपॉजिट हो गया डिसिल्टेशन करके उनको हटाना है। और डिसिल्टेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि फार्मर्स के लिए जो सॉइल है वो भी इनका बहुत ही बेसिकली फर्टाइल है, तो उसको भी ले जाके ब्लैक सॉइल, जैसे यहाँ मैक्सिमम ब्लैक सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो उसको फार्मर्स के भी लिए वैल्यूएबल है वो। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डिसिल्टेशन ड्राइव है जिसमें JCB निर्मित केंद्र प्रोवाइड कर रहा है और फ्रीली फार्मर्स बस आप ले लाएँ ट्रैक्टर अपना उनके ले जाएँ इसको सेंड को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वाटर रिचार्ज कैपेसिटी बढ़ेगा वाटर टैंक का और ग्राउंड वाटर का भी अवेलेबल हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह के ड्रॉट को चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं। कितने बसो कल्याण में कितने सब काम करते हैं अभी? स्टार्टिंग में हम नारायणपुर में भी स्टार्ट किया है, आज करेंगे अभी जाके, और आज के दिन नारायणपुर एंड ये प्रतापपुर में, और आगे चल के मूलखंडी और भी आगे आगे जैसे कमेटी में आते रहेंगे। बसपा कल्याण का कमेटी का जो तालुक चेयरपर्सन हूँ मैं ही हूँ, तो जैसे जैसे कमेटी प्रपोज करती रहेगी हम आगे और भी इंक्लूड करते रहेंगे। यहाँ का कब तक कम्प्लीट? यहाँ का अभी दिन का नहीं कह सकते, जब तक डिमांड है ले जाना तो फार्मर्स को है, फार्मर्स जब तक डिमांड क्रिएट करते रहेंगे और MI इंजीनियर जब तक जस्टिफाइड उसमें रेंज में रहेगा। जो डिसिल्टेशन का भी एक कितने डेप्थ तक कर सकते हैं ना, ताकि बेड रॉक को ना हिट करें हम, केवल सिल्ट को निकाल के, तो जब तक पॉसिबिलिटी होगी तब तक करते रहें। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल BK न्यूज, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।